हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ एफ सी एच टू सी ओ एच, ठीक है, जिसका मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरिन सी एच टू सी ओ एच, ठीक है। गिवन के एफ ऑफ वॉटर 1.86 के जी पर मोल। गिव सेकेंड पार्ट है इसका जीरो, गिव रीजन। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन 0.1 m KCl एज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड देन 0.1 m मतलब मोलर ग्लूकोज। सेकेंड, मीट मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग, ठीक है। तो बच्चा इसमें सबसे पहले वो आपसे ये बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें वो बता रहा है कंपाउंड है आपका। इस कंपाउंड का नाम कह सकते हो आप फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, फ्लोरीन लगा हुआ है एसिटिक एसिड, जिसका मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल और गिवन मास दे रखा है 19.5 ग्राम। और ये कंपाउंड डिजोल्व करा गया है 500 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। और उसमें पूछा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व इज 1 डिग्री, तो हमें निकालना है अल्फा, मतलब कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा या किसी और चीज से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और आपको के एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सेकेंड वाले में गिव रीजन है, बोला गया 0.m KCl की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर एज कम्पेयर टू 0.m ग्लूकोज, ठीक है। जबकि दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है। सेकेंड, मीट मीट जो है, जो चिकन है या सब कुछ भी है, इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम अगर हम उस पर सॉल्ट लगा दें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से फर्स्ट, अब हमारे पास कंपाउंड क्या है, एफ सी एच टू सी ओ एच, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चा हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास आपको दे रखा है 19.5 और मोलर मास दे रखा है 17.8। 19.5 डिवाइडेड बाय 78, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.25 मोल्स, ठीक है, 0.25 मोल्स। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी मोलालिटी निकालते हैं क्योंकि बच्चा इसमें वेट दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलालिटीज होती है, ऑस्मेटिक प्रेशर में सिर्फ मोलालिटी यूज होती है, बाकी सब में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका सिर्फ क्या यूज होती है, मोलालिटी। या तीन चीजें यूज होती है, मोलालिटी, मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें मोलालिटी यूज होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलारिटी, और आपका मोल फ्रैक्शन यूज होता है रिलेटिव लॉरिंग में, ठीक है। यहाँ पे मोलालिटी यूज होगी, तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन वन इन केजी, सॉरी इन केजी, इन इन केजी, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, वेट आपको 500 ग्राम दे रखा है, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 0.25 इंटू 1000 अपॉन में 500, दिस एंड दिस गॉन टू, तो कितना आ जाएगी मोलैरिटी, 0.5 मोल पर केजी, ठीक है, 0.5 m स्मॉल m, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आगे हमें ये करना है डेल्टा एफ फ्रीजिंग पॉइंट आई, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर के एफ इंटू एम, ठीक है। तो हमें पता है ये तो 1 दे रखा है आपको, ये 1 है आपका, ठीक है, 1, और ये आपको दे रखा है आई, ये इसकी वैल्यू है 1, ठीक है।
आई इंटू, इसकी 1.86 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5, क्लियर। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.86 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1.093, ठीक है। और इसको अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.075, क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है, हमें आई की वैल्यू निकल गई तो हमें पता है आई की वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो होगा डिसोसिएशन के लिए टोटल मोल्स का, वो कुछ आपका ऐसे बनेगा 1 - x + x + x, ठीक है, 3x इक्वल्स टू, एक तो x इससे गॉन हो जाएगा, तो 1 + x, डिसोसिएशन का ये डायरेक्ट लर्न करने का तरीका है, ठीक है। तो आई के लिए, और इसमें जो आपके नंबर ऑफ मोल्स वो है, ठीक है, मतलब कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो इसपे 1, ठीक है। तो अब इसपे क्या होगा, हमें पता है आई की वैल्यू कितनी है, 1.07 - 1 = x, तो x कितना आ गया, 0.5, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया आपका, 0.5, क्लियर, 0.05, 0.075, सॉरी 0.075, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास निकला 0.075, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया रिएक्शन लिखे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका आई निकालने का डिग्री डिसोसिएशन के लिए, ठीक है, आई निकालने का डिसोसिएशन के लिए, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे बी, ठीक है। उसमें वो कह रहा है केसीएल है 0.1 m, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। सबसे पहली बात तो बच्चा, ये जो केसीएल है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और 0.m आपका जो ग्लूकोज है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इसका लेस होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू केसीएल, ठीक है, क्लियर। तो इसका यही रीजन है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन 0.m केसीएल में क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाएंगे। मानो जैसे केसीएल को मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट होगा, के प्लस सी एल नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे जहां ये 0.m था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0.1 k+ और 0.11 k+ आफ्टर, मतलब रिएक्शन, एक मिनट, जैसे स्टार्टिंग में तो ये 0.0 था, ठीक है, जब पूरी कंप्लीट हो गई, पूरा डिसोसिएशन हो गया, तो 0.1 m और 0.1 m, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगी, जबकि ग्लूकोज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाइयर है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर। ये भी एक रीजन है, केसीएल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ग्लूकोज, दोनों की कंसंट्रेशन 0.1 m और इसकी भी 0.1 m, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। वट एवर इज टेकन, मतलब आपका मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम बाय सॉल्टिंग, ताकि ये बैक्टीरिया एक्शन से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। वट एवर इज टेकन आउट ऑफ बैक्टीरिया इनटू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl एज रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, देयरफॉर बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव, देयरफॉर बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव,
ठीक है बच्चा, हमने सारे सॉल्व कर लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।